नमस्कार, मैं ममता चौरे, निमाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। नींबू तो हम हमेशा ही उपयोग में लेते रहते हैं, किंतु सर्दियों में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का और पतले छिलके का नींबू मिलता है, जिसे कि हम नींबू का अचार या शरबत और किसी भी चीज़ के बनाने में उपयोग में लेते रहते हैं। तो आज हम बनाएंगे नींबू की खट्टी मीठी चटनी। तो इसके लिए हम लेंगे 5 नींबू, जो कि पतले छिलके के और पीले होना चाहिए। गुड़ लगभग 100 ग्राम। इस चटनी को हम व्रत उपवास में भी उपयोग में ले सकते हैं, इसलिए मैंने 1 चम्मच सेंधा नमक का उपयोग किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, जिसे भी बारीक पीस ली है। आधा ही छोटा चम्मच लौंग है, लौंग को भी मैंने थोड़े बारीक पीस लिए हैं। और 1 चम्मच जीरा, वो भी पिसा हुआ है। काला नमक मैंने स्वाद के अनुसार लिया है। यदि आप व्रत उपवास में इसका उपयोग करते हैं तो काला नमक न डालें, अन्यथा काले नमक का स्वाद भी इस चटनी में बहुत अच्छा लगता है। तो नींबू की चटनी के लिए हम सबसे पहले नींबू को एकदम छोटे पीस में काटेंगे। नींबूओं के हमें बीज पूरी तरह से निकाल देना है, क्योंकि छोटे पीस करने के बाद हमें इसे बारीक पीसना है और नींबू पीसने पर बहुत कड़वा लगता है, इसलिए हम पूरी तरह से इनके बीज निकाल के ही इन्हें छोटे पीस में काटेंगे। जितने छोटे पीस आप कर सकें उतने छोटे पीस हमें करना है, ताकि इनको पीसने में हमें आसानी रहेगी। इस तरह हम अपने सारे नींबू काटते जाएंगे छोटे पीस में, और बीच में हम देखते रहेंगे कि इसमें बीज नहीं रहना चाहिए। इस तरह बीज सारे निकाल कर हमारे नींबू बारीक पीस में कट चुके हैं। अब हम इसे मिक्सर में गुड़ के साथ बारीक पीसेंगे। सबसे पहले हम अपने बारीक कटे हुए नींबूओं को पीसेंगे। बीच में हम इसे एक बार चेक करके देख लेंगे, चारों ओर से इसे बीच में इकट्ठा कर देंगे, ताकि ये अच्छा महीन पीस सके। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा गुड़ डालेंगे, ताकि गुड़ की वजह से ये जल्दी पीस जाएगा। पहले हमें नींबूओं को यूं ही पीसना है, गुड़ के कारण नींबू पूरी तरह से पीस नहीं पाते हैं। इस तरह से हमारा ये महीन पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपना बचा हुआ गुड़ भी डाल देंगे और फिर से पकने के लिए रखेंगे। थोड़ा गाढ़ा होने तक इसे हमें पकाना है। अब हम गैस ऑन करके पेस्ट को पकाएंगे। आंच को थोड़ी मीडियम करेंगे और इसे थोड़ा गुड़ को घुलने तक पकने देंगे। फिर हमें इसे धीमी आंच पर ही पकाना है। बहुत जल्दी इसका पकना शुरू हो जाता है। ये चटनी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। धीमी आंच पर गुड़ घुलने के साथ ही हमारा पेस्ट थोड़ा पतला हो गया है। हमें इसे फिर से गाढ़ा करना पड़ेगा। अगर यह पतला रहता है तो यह बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। चटनी को हमें पूरी तरह से गाढ़ी करना पड़ेगा। धीमी आंच पर लगभग 5 से 7 मिनट में चटनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हमें इसे 4-5 मिनट और पकाना है। इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, ताकि मसालों के साथ भी ये अच्छी तरह से पक जाएगी। लौंग डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और सेंधा नमक। मैंने काले नमक का उपयोग नहीं किया है, मैं इसे व्रत उपवास के लिए ही उपयोग करती हूँ। आप इस चटनी को साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि नींबू के साथ बीज नहीं पिसना चाहिए। शुरू में यह चटनी थोड़ी कड़वी सी लगती है, किंतु नींबू के साथ गुड़ पूरी तरह से मिक्स होने के बाद यह चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इतनी गाढ़ी होने पर हम अब गैस को बंद कर देंगे। ठंडी होने के बाद ये चटनी और थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। सारे मसालों के साथ चटनी तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटी, विटामिन सी एवं आयरन से भरपूर नींबू की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। हम इसे पूड़ी, पराठे, चपाती, चीले किसी के भी साथ में खा सकते हैं, और बच्चे तो इसे जैम के रूप में भी बहुत पसंद करते हैं। आशा करती हूँ कि आप भी इस झटपट बनने वाली नींबू की चटनी को ज़रूर ट्राई करेंगे।
एवं अपने सुझाव मुझे देंगे। मेरे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ समाज कल्याण के कार्यों से जरूर जुड़िए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।